आज के समय में महिलाएं भारत की सीमा की रक्षा करने से लेकर आसमान तक छू रही हैं। अपनी काबिलियत से वो अपने सपनों को उड़ान दे रही हैं। लेकिन उनके सपनों को कुचलने वालों की आज भी कमी नहीं है। ऐसे में गोंडा की पूनम महिलाओं के लिए एक मिसाल बन चुकी हैं। आज के समय में वो समाज की परवाह किए बिना रिक्शा चलाकर अपना परिवार चला रही हैं। पूनम 3 बेटियों और 2 बेटों की माँ है। शादी के इतने साल बाद शराबी पति ने पूनम को छोड़ दिया। इतना सब होने के बाद पूनम ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने हौसलों को टूटने नहीं दिया। पैसे ना होने के चलते बेटियों की पढ़ाई तो छूट गई, लेकिन दोनों बेटों को वो आज भी स्कूल भेज रही हैं। क्या है, हमारे पास बच्चे हैं 5 और कोनो रोजगार नहीं है। अब रिक्शा न चलाइए तो का करिए, कोनो भाड़ा पर रही थे किराए पर, यही समस्या है। क्लास 3 में पढ़ते थे, फीस न जमा करने जैसे सरकारी में पढ़ने लगे। मेरी माँ जो नहीं होती तो कहीं सड़क पर जब पड़े होते। आज के समय में जहाँ सिर्फ मर्द ही रिक्शा चलाते हैं, वही पूनम ने रिक्शा चलाकर अपने परिवार को मजबूती देने का बीड़ा उठाया है। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने हमारे संज्ञान में लाया है। ये श्रम विभाग की जिम्मेदारी है कि अगर वो मजदूर है तो उसको सरकार की योजनाओं से हम जोड़ें और उसे तमाम तरह की सुविधाएं हम देंगे, और बहुत ही जल्दी 1-2 दिन में ही उसको जो है हम अपना पंजीकरण कर देंगे। और छात्र बच्चों की छात्रवृत्ति की है या शादी की है या जो भी 16-17 योजनाएँ विभाग से संचालित है, तो उसका लाभ जो है प्रायोरिटी पर जो है उस महिला को जरूर देंगे। ये महिला जो है हमारे समाज के लिए उदाहरण।